हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टीमेट 5G स्मार्टफोन के बारे में। राइट नाउ 20,000 के आसपास बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है, लेकिन उन सभी में से 5 जो सबसे अच्छे एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, हम उन्हीं स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और फिलहाल अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर साल की सबसे बड़ी सेल भी चल रही है, तो सभी स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो ऐसे में अगर आपका बजट 20,000 के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको अल्टीमेट बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। गाइज, हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से, और लास्ट में बात करेंगे नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन गेमिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा अंडर 20,000। इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G। 20,000 के आसपास ये एक बहुत ही यूनिक दिखने वाला फोन है। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी यूनिक रहने वाला है। ट्रांसपेरेंट बैक के साथ आता है, हालांकि ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। बाकी बैक पैनल में LED स्ट्रिप भी लगा हुआ है। 8.1 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है, एंड 187 ग्राम वेट है। IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अमेजिंग है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की आउटपुट बहुत ही अच्छी है। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G SIM और 1 memory card SIM टाइम पर लगा सकते हैं। और बायोमेट्री के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन XOX 13, एंड UI के अंदर किसी भी तरह के एड्स और ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता है। इस फोन को 1 major एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 2 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। वैसे इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स जान लेते हैं अब। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 45W फास्ट चार्जिंग को, और कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। और हाँ, बाईपास चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी आता है ये फोन। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले भी बहुत ही कमाल का दिया गया है। इस फोन में आपको मिलेगा 6.67 इंचेस की Full HD+ 10 bit वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ये एक LTPS डिस्प्ले है। 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है, और 900 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा दिया गया है, बेजल्स वगैरह बहुत ही कम है, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये फोन। कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 megapixel का है, सेकंड कैमरा 2 megapixel का है जो कि डेप्थ कैमरा है, और थर्ड कैमरा भी 2 megapixel का है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रंट में 32 megapixel का कैमरा दिया गया है। इस कैमरे से 2K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस है वो अबव एवरेज है, या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। ऑब्वियसली ये एक गेमिंग फोन है, तो कैमरा के लिए फोन काम चलाओ रहेगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों, इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 8050 वाला 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है, 7 lakh के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 3.1 वाला स्टोरेज है, LPDDR4X वाला रैम है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये फोन बहुत ही अमेजिंग रहेगा, नॉर्मल यूज में कोई इशू नहीं होगा। वैसे ये एक गेमिंग फोन है, तो आराम से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं लॉन्ग सेशन तक। बहुत सारे गेमिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। लास्टली कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G+ का सपोर्ट अवेलेबल है, Wi-Fi 6 आता है, Wi-Fi कॉलिंग है, और ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है, ऑल्सो NFC भी है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 20,000 rupees देने होंगे। एडिशनली 2,000 rupees का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 18 से 20,000 के बीच में देखा जाए तो कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी फोन है ये रहे प्रोस एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं। बात करें अगले स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। मैं बात कर रहा हूँ लावा अग्नि 2 5G के बारे में। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 22,000 के आसपास होता है, बट राइट नाउ 20,000 के नीचे ही मिल जाएगा, वो भी बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के। और 20,000 के नीचे ये भी एक कम्प्लीट पैकेज है। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। हाँ, फ्रेम प्लास्टिक का ही है। 8.8 mm की थिकनेस है एंड 210 ग्राम वेट है, तो हल्का सा ये फोन हैवी रहेगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। और इस फोन में आप 2 5G SIM लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड नहीं लगा सकते, और 3.5 mm का जैक भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बायोमेट्री के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, विद नियर स्टॉक एंड्रॉइड। तो UI के अंदर किसी भी तरह के एड्स और ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा। और लावा ने प्रॉमिस कर रखा है इस फोन को 2 years तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, एंड 3 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट।
एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जान लेते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 4700 mAh की बैटरी और साथ में ही 66 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये एक कर्व डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया है। कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह ना के बराबर है। डिस्प्ले वाइज एक्सीलेंट रहेगा ये फोन। वैसे बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में चार कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, वहीं सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है एंड इसके अलावा दो और कैमरा दिया गया है 22 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ एंड मैक्रो लेंस है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल एचडी में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अबव एवरेज या फिर डिसेंट कैटेगरी में रहेगा। अच्छे लाइटिंग कंडीशन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक न्यू चिपसेट है जो कि 6nm पर बना हुआ है, 5 लाख से ऊपर अंतत स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। सो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 13 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई 6 आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जिसके लिए 20,000 रुपीज है और 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इफेक्टिवली 18,000 के नीचे ले पाएंगे इस फोन को एंड इस प्राइस पॉइंट पर इस फोन को ले पा रहे हो तो डेफिनेटली ले सकते हो। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। वहीं बात करें तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये भी एक कम्प्लीटली ऑलराउंडर फोन है। इस फोन का नाम है Redmi Note 12 Pro 5G। नॉर्मली इस फोन का प्राइस 24,000 के आसपास होता है लेकिन अभी आपको 20,000 के आसपास ही मिल जाएगा और 20,000 के नीचे देखोगे तो ये भी एक वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो गाइस इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा है, बैक पैनल ग्लास से बना हुआ है एंड फ्रेम प्लास्टिक का ही है। सिर्फ 8mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 187 ग्राम वेट है। IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा और स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं लेकिन SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे। अच्छी बात यह है कि 3.5mm का जैक अवेलेबल है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और Redmi का फोन है तो आयर ब्लास्टर भी मिल ही जाएगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन MIUI 13। इस फोन को 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। चलिए अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी और साथ में ही 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट वाला OLED डिस्प्ले जो कि डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ भी आता है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिलता है, डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है, मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए काफी अच्छा रहेगा ये फोन। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ 3 कैमरा लगा हुआ है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का फ्लेक्सिप ग्रेड सेंसर है जो कि OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और ये अल्ट्रा वाइड लेंस है। वहीं थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये मैक्रो कैमरा है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल एचडी में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, डे लाइट और लो लाइट दोनों ही सिनेरियो में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है तो 20,000 के नीचे कैमरा के लिए भी ये फोन ठीक रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक प्राइस के हिसाब से अच्छा चिपसेट है, 6nm पर बना हुआ है, 5 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप मीडियम लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, वाईफाई 6 दिया गया है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट मिलता है। प्राइस की बात करोगे तो राइट नाउ 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 21,000 रुपीज है। एडिशनली 3,000 रुपए का इंस्टेंटली बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स।
बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिजाइन और डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम है। मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 60 Pro 5G के बारे में। यूजली इस फोन का प्राइस 24,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको ये फोन 20,000 के नीचे ही मिल जाएगा। एंड 20,000 के हिसाब से बहुत ही कमाल का फोन है ये। चलिए जल्दी से जानते हैं डिटेल में इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, आप देख ही सकते हैं कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, लेकिन ऑरेंज वाला वीगन लेदर से बना हुआ है। 8.2 mm की थिकनेस एंड 191 ग्राम वेट है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, दिखने को काफी प्रीमियम है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे और 3.5 mm का जैक भी नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन Realme UI 4.0। इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 67 वॉट फास्ट चार्जिंग को। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में जो कि इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट है, जी हाँ, इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचेस की फ्लैश डी प्लस 10 बिट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये एक कर्व डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है एंड 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, कर्व पैनल होने की वजह से बेजल्स ना के बराबर है, तो डे टू डे यूजर्स में काफी प्रीमियम फील होगा ये फोन आपको एंड कंटेंट वॉचिंग के लिए तो अच्छा है। वैसे कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 100 MP का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 2 MP का है और ये डेप्थ कैमरा है, तो यहाँ अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फ्लैश डी में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का मेन कैमरा डिसेंट टाइप का परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। OIS होने की वजह से लो लाइट में भी अच्छे फोटो आ जाते हैं। ओवरऑल कैमरा डिसेंट टाइप का रहेगा, हाँ अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा होता तो ज्यादा बेहतर रहता। एनीवे परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7050 वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 6 nm पर बना हुआ है और 5.5 लाख से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज NLPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल यूजर्स में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है ये फोन। 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, Wi-Fi 6 आता है, Wi-Fi कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 21,250 रुपए है, लेकिन अभी आपको 500 रुपए का कूपन मिल जाएगा जिसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं Amazon के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये फोन आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा इजीली। वैसे इसी फोन के जगह आप Realme 11 Pro 5G को भी बाय कर सकते हैं। दोनों फोन बिल्कुल सेम है, बस हल्का सा डिजाइन अलग है, तो जो भी आपको सही लगता है उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। वक्त आ गया है अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने का। तो गाइस नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है दोस्तों। खैर इस फोन का नाम है Moto Edge 40 Neo। 20,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिलता है इस फोन के अंदर। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का बैक पैनल वीगन लेदर से बना हुआ है और ये वाला PMMA मटेरियल से बना हुआ है। वैसे फ्रेम प्लास्टिक का ही है, सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा ये एंड 170 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। और ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब ये एक कंप्लीट डस्ट एंड वाटरप्रूफ फोन है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में आउटस्टैंडिंग रहेगा ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा Dolby Atmos वाला एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे और ध्यान रहे 3.5 mm का जैक भी नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन MIUX। तो सॉफ्टवेयर नीट एंड क्लीन मिलता है आपको। इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और मोटोरोला का फोन है तो थिंग शील्ड की प्रोटेक्शन भी दी गई है। चलिए कुछ मेन फीचर्स भी जान लेते हैं। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 68 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल टास्क में एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में लगा हुआ है 6.55 इंचेस की फ्लैश डी प्लस 10 बिट वाला POLED डिस्प्ले जो कि एक कर्व डिस्प्ले है। साथ में ही 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है
एंड अप टू 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस में मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको एक्सलेंट क्वालिटी का ऑफर किया गया है। बेजल्स वगैरह ना के बराबर है कर्व पैनल होने की वजह से, मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए बेस्ट फोन रहेगा। बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में दो कैमरा लगा हुआ है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है, और सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो कि ऑटो फोकस के साथ आता है। मतलब ये कैमरा अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ तीनों के लिए ही काम आएगा। बाकी रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलता है, डे लाइट में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। OIS होने की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, और फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अच्छा रहेगा ये फोन। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा ब्रांड न्यू MediaTek Dimensity 7030 वाला 5G चिपसेट। ये चिपसेट 6 nm पर बना हुआ है, 5.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है, साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस फोन से। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, लेटेस्ट वाईफाई 6E का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है, ऑल्सो NFC भी है। फाइनली बात करें प्राइस के बारे में तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 21,000 रुपीज है, और 1000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का फोन रहेगा ये, डेफिनेटली इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टीमेट 5G स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाएगा 20,000 के आसपास। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, ये भी हो सकता है सेल के बाद इनमें से कुछ स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ जाए। बाकी बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देख लीजिएगा। कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।